जय जोहार संगवारी हो। हमन ह अभी रायपुर जात रहे हैं। रायपुर के बीच में हमन ला एक ठन गाँव मिली से, वहाँ के मंदिर हेवा वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप मन ला वीडियो में मिल ही जाए। तो चलो हमन जाके, मैं पहली बार वैसे वहाँ जात हवा तो मोला भी कुछ नॉलेज नहीं है, तो चलो वहीं जाके आप मन ला दिखावत हन। बहुत ही भव्य मंदिर है, तो आप मन ह वीडियो में जरूर बने रहो। और आप मन ला बता देना चाहता हूँ, हमन अभी रायपुर जाथन, तो रायपुर के अभी नया नया ब्लॉग भी मिली इसी चैनल में, तो सब्सक्राइब करके रखे रहो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़थन। संगवारी हो, देख सकत हो हमन ह यहाँ मुक्तेश्वर शिव मंदिर समिति चरोदा, यहाँ हमन आगे हवन। तो चलो आप मन ला दिखा सकत हन, ये अरे बहुत ही ज़्यादा भव्य अभी सुंदर लगत है मंदिर है। तो मैं बैक कैमरा करके आप मन ला पूरा ये दे संगवारी हो। ये विष्णु भगवान हर है, यह मंदिर हर है। मंदिर है तो दूर से बहुत अच्छा नज़र आवत है, बट अंदर भी आप मन ला दिखाने चाहत हवन। और ये सब ये हवा नौका विहार के भी, तो चलो अंदर ले चलथन आप मन ला। तो जैसे कि संगवारी हो, मंदिर के जस्ट प्रवेश करे हम, तो यहाँ हमन ला प्रवेश 151 शक्तिपीठ मंदिर मिली सेवा सामने में हवा है। तो घुसे के बाद हमन ला बहुत ही अच्छा एक तरफ से कैंपस मिलेगी हवा। तो चलो आप मन ला एक तरफ से के पीछे से आप मन ला दिखा सकत हन, ओकर बाद अंदर चलबो। यह है पीछे से भी देख सकत हो, बहुत ही सुंदर कारीगरी से अभी बनाए गए हवा। तो संगवारी हो, ये श्री सिद्धि शक्तिपीठ महामाया मंदिर है, जो कि अभी गेट है तभी बंद है, नवरात्रि के टाइम खुली है। इस तरफ आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, देख सकते हो मंदिर के पीछे से एक गेट हवा, पीछे आए के निकले के वह आप मन ला अभी तो फिलहाल ये है, ये देख सकते हो ये तो बंद हवा। यह फिलहाल मंदिर जब भव्य अभी मेला चलते यहाँ वो समय खोले जाते यहाँ, तैसे आ रहे हैं। यह मस्त फुलवारी गार्डन है, जो कि अभी तैयार हुआ थे, अभी यह नवा नवा स्थापना हुए हैं। ये जगह शिव भगवान बने हुए, यह आप मन देख सकते हो। ये बगल में ही आप मन देख सकते हो, यहाँ पानी और शौचालय भी है। आगे बढ़ एक तरफ आगे बढ़थन, तो हमला एक तरफ शनिदेव के भी यहाँ मंदिर दिखेल मिली सेवा। इसे संगवारी हो, देख सकते हो यहाँ सुरक्षा के दायनात्मा सिक्योरिटी कैमरा भी लगे हुए हैं। तो संगवारी हो, ये है शनिदेव के मंदिर, जी हाँ आप मन ला बहुत कम ही देखे मिलते है यहाँ, लेकिन यहाँ भी एक स्थापना है। मैं ये जगह देख सकते हो, यहाँ पूजा करे बार आए हुए, जैसे सामने आए हमन हमन ला यहाँ नंदी महाराज मिली सेवा, इधर भी पूजा अर्चना चालू है। चलो हमन अब चलने वाला है ऊपर। तो संगवारी हो, जैसे जैसे हमन वीडियो में आगे बढ़त हवन, हमन हाँ गजेंद्र मोक्ष ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आप मन ला आगे बढ़त हवन। तो चलो आप मन ला दिखा सकत हन, दिखत हो ही ये है गजेंद्र मोक्ष। साइड में आप मन ला पूरा इति ज्योतिर्लिंग कला से स्मृति मिल जाए, देख सकत हो संगवारी हो। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। आप मन नहीं आए हो तो एक बार जरूर यहाँ चरौदा आवाज जात रही हूँ, तो यहाँ दर्शन के लिए यहाँ भी विजिट करूँ। बहुत ही यहाँ सुंदर सुंदर स्मारक है। तो संगवारी हो, मोला पता चले रही से कि यहाँ
एक सुरंग टाइप हवा जहाँ मंदिर ही हवा एक 51 में देवी के पूरा मंदिर हवा। तो चलो आप मन कुछ समय बाद वहीं लेके चलो, देख सकते हो ये हरा ओकर ऊपर में संगवारी हो, आप मन दिखा सकते हो। एक कछुआ बहुत अगन भी बैठे हवा वहाँ ये सामने में, तो संगवारी हो यहाँ कछुआ भी हवा वहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा। ये जगह मछली है, तालाब बहुत ही मनमोहक है, दृश्य मिलत है जगह से। तो हमन है संगवारी हो मंदिर के अंदर जाने वाला हमन, तो अक्का में संगवारी हो वीडियो अच्छा लगी सो ही जरा से भी आप मन हा चैनल ला सब्सक्राइब कर दो और हमार वीडियो ला लाइक कर दे। हमन हा अब जात हवन उत्तरा मंदिर के अंदर, आप मन ला भी दिखाबो। तो संगवारी हो जैसे कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप मन ला करा चुके हवन, देख सकते हो ये पीछे से ये एक ऐसे ऐसे गिन सकते हो आप मन हा, ऐसे पूरा चारों मुड़ा आप मन देख सकते हो। जैसे कि आप मन घर बैठे कहूँ दर्शन में नहीं जा सकत हो तो कमेंट करके आप मन बताए करो कि फलाना ढकाना के वीडियो चाहिए हम मतलब बहुत जगह की, तो कमेंट कर दे रही हूँ वहाँ भी आप मतलब दर्शन के लिए लेके चल रहे। तो संगवारी हो ये जगह एक कछुआ दिखत है, यह मेरे जो कुछ भी है दाना है वह ओला खात है, ध्यान से देखू तो देखी काबर की हमला आँख से दिखत है पानी धुमला है, देख सकते हो कछुआ कितना मस्त निकल के आते है वो जगह मछली है। तो संगवारी हो जैसे कि मेर आप मन बैठ के मस्त यहाँ के मजा ले सकते हो। क्या नाम है बेटा आपका नहीं बताओ, बता दो। तो संगवारी हो देख सकते हो यह कछुआ निकाले गए हवा, ये भाई निकाले रही से निकले हवा, ये देख सकते हो कैसे मस्त उबड़ी हो गए, उबड़ी होते तो नहीं चल पावा। देख सकते हो कितना मस्त है यहाँ आते जाते। संगवारी हो हमन हम मुक्तेश्वर शिव मंदिर आप मल थन सीधा सीधा ये मंदिर दिखा थे वह चारों मुड़ा घंटी है वह बहुत ही अच्छा मनमोहक है। हमन हाँ अब आप मल्ला अंदर लेके चला था हमन। तो संगवारी हो ये जगह से चीटी मतलब भी खाना मिला थे वह, तो कर भी यहाँ ध्यान रखेगी है वह। मंदिर के जस्ट सामने ही हमला भगवान नंदी के दर्शन मिली सेवा, ओकर बाद हमन चला आगे आप मतलब देखा था हमन ओकर पहली घंटी बजा ले थन। ये जो मंदिर है वह ये शिवलिंग एकर बहुत ही विष मांगे जाते। चलो तो ये है मंदिर के पूरा बैकग्राउंड, मंदिर में आके हमला सबसे पहली हमला भगवान राम दरबार के दर्शन करे के मौका मिली से। यहाँ बहुत ही सुंदर मूर्ति और दिखा थे आप मन देख के ही पता कर सकते हो। तो देख सकते हो हमन पूरा ऊपर आगे हमन मंदिर के ये हरा मंदिर के चारों दिशा से आप मल्ला दिखावा था। यहाँ के सबसे अच्छा लगी से कि यहाँ बहुत ही बड़े यहाँ झूमर लगे हवा जेमा रात के आते हैं तो आप मल्ला पूरा दिखा सकत रहे। ऊपर भी आप मन देख सकते हो बारीकी से मस्त एकदम करे गए हवा, एक तरफ से भी आप मन देख सकते हो। ओकर बाद हम मल्ला माता संतोषी जी के दर्शन कराया था नमन, बहुत ही सुंदर मूर्ति मिली आप मन देख सकते हो। ये है संतोषी माता। तो संगवारी हो आप मल्ला हमन
जो ग्रह बोले जाते ओकर नौ ग्रह आप मला दिखाने वाला हमन। ये देख सकत हो इस जगह से नौ ग्रह चालू हुआ थे, काउंट भी कर लू आप मन। तो संगवारी हो माता रानी के भी आप मन दिखाने वाला हमन। ये जगह माता रानी के भी बहुत ही सुंदर स्मृति हवा, तो आप देख सकते हो ये जगह से माता रानी के भी बहुत ही अच्छा मूर्ति मिलेगी से वह। उकर बाद हमन अपन वीडियो में देख आगे बढ़ा था हमन। उकर बाद आगे हमन ला ये जगह पीछे के जो गेट हवा है वो मिली से वह। अभी तो ये फिलहाल बंद हवा, और जो मेला होते यहाँ तब एक खोले जाते। तो संगवारी हो आप मान ला भगवान जगन्नाथ दर्शन करे ला मिली। देख सकते हो भगवान जगन्नाथ। तो संगवारी हो जो हमन दिवाली के समय एकादशी बोलते हैं तो बहुत लोग मन नहीं जानत रही से, तो एकादशी माता के भी आप मान ला रहा था मन। घर बैठे आप मन देख सकत देखत हो, तो माता के लिए एक लाइक बनते और भाई के चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो। अब हमन हाँ आगे बढ़ा था मन ये जगह से आप मन ला खा सकत थन। बहुत ही अच्छा ये जगह से बने गई है, ये साइड से हमन देखा था। तो संगवारी हो हमन जो प्यार प्यार के बोलथन वो है प्यार के जो असली निशानी हवा, तो ओला हमन दिखाने वाला हन। तो गेस करके रखो कि मैं काय कहा था। तो ये देख कृष्ण दरबार, ये भगवान कृष्ण और राधा रानी और बचपन के। तो संगवारी हो ये जगह बालकनी अभी बनाए गए हवा, अंदर लगी थोड़ा बहुत सजाए, सॉरी वो बनाया नहीं स्थापना करना होता है, वो तो हो जाता है मोटा मोटा। तो गलतियों पे ध्यान ना देकर मंदिर की खूबसूरत देख लीजिए। यहाँ पर सामने ही बड़ा सा घड़ी है वो लगा हुआ है। तो इधर आइए आप सबको दिखा देते हैं मंदिर एक बार और पूरा। ये देखिए ये मंदिर का ये झूमर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो में तो मेरा फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो उतना खास अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा है, मोती मोती से बना हुआ है। और पास लाऊंगा इकर बाद हमन दक्षिण मुखी हनुमान दिखाने वाला है ना आप सब। ये है दक्षिण मुखी हनुमान। यहाँ के जो मूर्ति है कुछ अलग लेवल से दिखते। ये है मेन मंदिर आप मन दिखा सकते हैं ज्योतिषी। तो संगवारी हो आप मल्ला एक ठन बहुत ही ज्ञान के बाद बता दें, जो घंटी जो रही थे और बजाय से कुछ मिला नहीं, लेकिन घंटी बजा के ओकर नीचे खड़ा हो से मन ला शांति मिलते बहुत ज़्यादा। तो आप मन भी वैसे करे करो कि घंटी बजा के ओकर नीचे ही खड़े रहे करो, काबर की मन ला शांति मिलते। तो संगवारी हो तो मंदिर के अंदर में भी प्रवेश ले ले हूँ। ये देख सकत हो ये अंदर है रहे बहुत ज़्यादा ऊपर है वह पहाड़ मंदिर है। तो संगवारी हो मंदिर में हमन ला यहाँ गणेश जी मिली अंदर में, बगल में माता जी के नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन वीडियो में एडिट करके समय डाल दूँ। ये भगवान ब्रह्मा। तो संगवारी हो जो गुफा के रूप में मंदिर बने हैं अंदर से,
हमन हा वहाँ जात हवन। ये जो दिखत होई प्रवेश द्वार एक 51 शक्तिपीठ मंदिर। तो चलो कुछ कुछ यहाँ बात लिखे हवा है सुरक्षा आवश्यक सूचना। चलो हमन हा आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब मंदिर के अंदर प्रवेश ले से पहले आवश्यक सूचना ला एक आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप मन हा पढ़ सकत हो। वो पार को दिखा चुके हैं। अब ये पार आते हैं आवश्यक सूचनाओं के पांच ठन लिखे हवा। इला अभी हाल ही में मुक्तेश्वर मंदिर लोकार्पण करे गए हवा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। और चला होता हमन हाँ वीडियो में धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं। तो सोमवारी हो मंदिर के जस्ट सामने ही हमला भैरव बाबा मिली सेवा। भैरव बाबा के दर्शन करके हमन हाँ ये जगह से विमला माता आप मन देख सकत हो। यहाँ एक बारे में कुछ कुछ लिखे हवा जिन जिन जाना था एक बार तो ठीक है नहीं जाना था तो ये जो लिखे हवा इला एक बार पढ़ लो। विमला माता के बाद हमन ला यहाँ उमा देवी शक्तिपीठ माता देखेला मिली सेवा। संगवारी हो देख सकत हो यहाँ मस्त गुफा के रूप में यहाँ मंदिर बनाए गए हवन। यहाँ हमन आए हवन पांचवा चौथा नंबर में हमला मिली सेवा महिषामर्दिनी शक्तिपीठ माता आप मन देख सकत हो। जैसे जैसे आगे बढ़त हवन यहाँ हमारा सुनंदा माता के दर्शन मिली सेवा। तो हमन हाँ वीडियो में आगे बढ़ते जाते हवन। हमला बहुत लंबा अभी रास्ता है सुंदरी देवी एक बात है की तरफ आगे बहुत ही यह दिख रही है बहुत ही अच्छा लगे जिसे तरफ सात नंबर अर्पणा देवी अपर्णा देवी संगवारी हो महूला तो पढ़े थोड़ा समस्या होते हुए
सर्वानंद करी देवी। जैसे कि संगवारी हो देख सकते हो हमन बहुत आगे आगे हमन सुरंग में देख सकते हो बहुत ही अच्छा। अभी 41वां देवी के दर्शन हुए हैं अभी माती अभी और 10 देवी अभी बचे हवे ओला देखते रहो। सावित्री देवी धात्री देवी अंबिका देवी नंबर पे है कालिका देवी। जय माता दी जय माता दी। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ देवी गुणेश्वरी देवी कामाक्षी देवी ये संगवारी हो लास्ट देवी है देवगर्भा देवी। संगवारी हो जैसे कि हमन 51 शक्तिपीठ देवी के दर्शन कराए हमन और करे हमन ओकर बाद आप मन ला और दिखाने वाला हमन। जैसे कि संगवारी हो इमन हर देवी देवता हमन यहाँ फर्स्ट बार आए हमन ओकर वजह से हम मतलब पता नहीं है लेकिन अगले बार आबो तो मतलब पता करबो और जैसे कि वीडियो अपलोड करबू तो जरूर नाम सर्च करके डाल दे रही और बाद हमन ह ए जगह से निकलत हमन। संगवारी हो हमन ह 51 शक्तिपीठ देवी के दर्शन कर चुके हवन मन ला ए मंदिर दिखत हो ओहू ला देखा चुके हवन ओकर बाद चलो अब अपन वीडियो में और आगे बढ़थन। तो संगवारी हो पूरा मंदिर ला हमन घूम चुके हवन एकर ब्लॉग कैसे लगी आप मन जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताऊँ कौन कौन यहाँ आगे रहे हो ओहू ला कमेंट करके जरूर बताऊँ और कौन कौन नहीं आए जैसे ऐसे दर्शन फ्री में होइस होई तो चैनल ला लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके रख दे रही इसमें ही हमार नवा नवा वीडियो कंटिन्यू आप माला मिलते रही एक बार हमार चैनल ला सब्सक्राइब करके रखे। तो धन्यवाद चला अगले ब्लॉग में आप माला।